प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग द्वितीय इकाई में सामाजिक समूह की अवधारणा के बारे में गत कक्षा में बात कर रहे थे और गत कक्षा में हम सामाजिक समूह को परिभाषित करने की कोशिश की और उन सब परिभाषाओं का निष्कर्ष हमने निकाला था। तत्पश्चात सामाजिक समूह के वर्गीकरण के बारे में हमने बात की थी। एक बार संक्षिप्त में पूर्व में बताई गई बातों को दोहराते हुए हम इस सामाजिक समूह की अवधारणा को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग सामाजिक समूह के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व कि हम लोग सामाजिक समूह के प्रकारों के बारे में बात करेंगे, हम वे बात एक बार पुनः दोहराना चाहते हैं आपके साथ जो बातें हमने पिछली कक्षाओं में आपके साथ की है। सामाजिक समूह की अवधारणा के अंतर्गत हम यह देख रहे थे कि सामाजिक समूह का तात्पर्य समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बड़ा व्यापक है। समाजशास्त्र सामाजिक समूह के संबंध को बड़े व्यापक दृष्टिकोण से देखता है और समाजशास्त्र दृष्टिकोण से अगर हम लोग सामाजिक समूह को परिभाषित करें तो इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ लोग एकत्रित हो जाएं किसी जगह पर और उस लोगों के झुंड को, लोगों के समूह को हम लोग समूह कहते हैं, सामाजिक समूह कहते हैं। समाजशास्त्र दृष्टिकोण से कदापि यह ठीक नहीं है। समाजशास्त्र दृष्टिकोण प्रत्येक सामाजिक घटना को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखती है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखती है। क्योंकि आपको ये बात हम कई बार बता चुके हैं कि 1838 में ऑगस्ट कॉम्टे ने जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति की थी तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति से तात्पर्य ऑगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक घटनाओं को देखने का अपना एक नजरिया, अपना एक दृष्टिकोण, अपना एक परिप्रेक्ष्य दिया था और कॉम्टे का कहना था कि सामाजिक घटनाओं को सामाजिक नजरिए से देखा जाना चाहिए। उसी दृष्टिकोण से अगर हम लोग समाजशास्त्र दृष्टिकोण से सामाजिक समूहों को परिभाषित करें तो जैसा कि पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे, ऑगबर्न एवं निम्बोफ ने सामाजिक समूह को परिभाषित किया है, रॉबर्ट के मार्टन ने सामाजिक समूह को परिभाषित किया है और मेकाइवर एवं पेज ने सामाजिक समूह को परिभाषित किया है। जैसा कि ऑगबर्न एवं निम्बोफ कह रहे थे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो उसको सामाजिक समूह कहा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से मेकाइवर एवं पेज का मानना था कि दो या दो से अधिक लोग हों जिनमें सामाजिक संबंध हों, क्योंकि मेकाइवर एवं पेज सामाजिक संबंधों पर अधिक जोर देते हैं। अपनी स्वयं की पुस्तक सोसाइटी में जब उन्होंने सोसाइटी को डिफाइन किया तो कहा था कि सामाजिक संबंधों के ताने बाने को या सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहा जाता है। उसी दृष्टिकोण से मेकाइवर एवं पेज यहाँ पर सामाजिक समूह को परिभाषित करते हैं। मेकाइवर एवं पेज का कहना है कि समूह से तात्पर्य व्यक्ति को एक ऐसे संकलन से है जिसके सदस्य एक दूसरे से सामाजिक संबंध रखते हैं, अर्थात समूह निर्माण के लिए सामाजिक संबंधों का होना अनिवार्य। ठीक इसी प्रकार से रॉबर्ट के मर्टन ने भी सामाजिक समूह को परिभाषित किया था और मर्टन का कहना था कि निश्चित रूप से सामाजिक समूह लोगों का एक संकलन है जिनमें सामाजिक संबंध होते हैं और साथ ही साथ ऐसे लोगों का संकलन जिनमें हम की भावना देखते हैं। तो ये ऑगबर्न एंड निम्बोफ, मेकाइवर एंड पेज और मर्टन ने अपने अपने दृष्टिकोण से सामाजिक समूह को परिभाषित करने की कोशिश की। और जब हमने इन परिभाषाओं का निष्कर्ष देखा था, उस निष्कर्ष में हमने यह बताने की कोशिश की थी कि इन परिभाषाओं का जब हम अवलोकन करें तो एक निष्कर्ष निकल कर आता है। वह निष्कर्ष यह है या समग्र रूप में हम इन परिभाषाओं को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं समाजशास्त्र दृष्टिकोण से कि सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संकलन है जो आपस में एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस संकलन उस लोगों के संकलन में, लोगों के समूह में सामाजिक संबंधों का निर्माण हो जाता है और जिसमें हमकी भावना देखने को मिलती है, ऐसे लोगों के समूह को सामाजिक समूह कहा जाता है। तो सामाजिक समाजशास्त्र दृष्टिकोण से समूह कहे जाने के लिए जो बातें आवश्यक वह है कि दो या दो से अधिक लोग हों, वे एक दूसरे से अंतःक्रिया करें, प्रतिक्रिया करें, एक दूसरे को प्रभावित करें, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें सामाजिक संबंधों का निर्माण हो और जिनमें हमकी भावना देखने को मिले, ऐसे लोगों के समूह को
समाज शास्त्र दृष्टिकोण से सामाजिक समूह कहा जाता है। ये बातें हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। तत्पश्चात हमने सामाजिक समूह के वर्गीकरण की बात की थी और वर्गीकरण के अलग अलग आधार आपको बताए थे कि आकार के आधार पर समूह लघु या वृहद हो सकते हैं, स्थायित्व के आधार पर समूह लघु और बृहद समूह हो सकते हैं, कि किसी प्रकार से जो है सबकी भावना के आधार पर जैसा कि समरण में पुस्तक फोकस ने बताया था कि अंत समूह और बाह्य समूह हो सकते हैं, प्रकार्यात्मक आधार पर कुछ द्वितीय प्रकार की द्वितीय प्रकार के समूह होते हैं, ठीक इसी प्रकार से आकांक्षा के आधार पर रॉबर्ट मटल ने पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में एक नए प्रकार के समूह का जिक्र किया था जिसको कि संदर्भ समूह या रेफरेंस ग्रुप कहा गया था। ये तमाम बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग सामाजिक समूह की अवधारणा के अंतर्गत सामाजिक समूह के प्रकारों की या टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप की बात करेंगे। सामाजिक समूह के प्रकारों की जहां तक बात है, सामाजिक समूह को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहले होते हैं प्राथमिक समूह या प्राइमरी समूह, दूसरे होते हैं द्वितीय समूह या सेकेंडरी समूह, और तीसरे प्रकार के जो समूह का जिक्र किया गया है वो होते हैं अर्ध समूह या आभासी समूह। तो समाजशास्त्र दृष्टिकोण से इस प्रकार से तीन भागों में सामाजिक समूह को विभाजित किया गया है। चार्ल्स कोलिन ने अपने पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया है। अगर हम लोग प्राइमरी ग्रुप या प्राथमिक समूह की बात करें तो सबसे पहले जो चार्ल्स कोलिन हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उस कृति में चार्ल्स कोलिन ने प्राथमिक समूह का सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। कुले का मानना है कि प्राथमिक समूह से तात्पर्य उस समूह से है जिसकी प्रमुख विशेषता घनिष्ठ व सहयोगपूर्ण संबंध आमने सामने के संबंध द्वारा व्यक्त होती है। ये समूह कई प्रकार से प्राथमिक है किंतु इस अर्थ में कि ये व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों का निर्माण करने में मौलिक है। माना है कि प्राथमिक समूह है वे समूह हैं जिस समूहों के लोगों में प्राथमिक और घनिष्ठ संबंध देखने को मिलते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इस अर्थ में कि सामाजिक प्रकृति है, साथ ही साथ ये समूह जो है कई प्रकार से प्राथमिक है कुले के अनुसार, किंतु इस अर्थ में कि वे व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों का निर्माण करने में मौलिक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं जन्म के समय मनुष्य पशु मात्र होता है, जन्म के पश्चात वो समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनता है और समाज के संचालन में अपना योगदान देता है। तो ये जो प्राथमिक समूह है ये व्यक्ति के लिए इस दृष्टिकोण से भी प्राथमिक है क्योंकि ये व्यक्ति के लिए मौलिक है, यानी कि वो ऐसी संस्थाओं के रूप में भी हम इसको बता सकते हैं जो कि प्राणी शास्त्रीय प्राणी को सामाजिक प्राणी में रूपांतरित करती है, यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया में जो व्यक्ति शामिल होता है वो प्राथमिक समूह के माध्यम से ही शामिल होता है। चार्ल्स कोलिन ने इसके लिए प्राथमिक समूह की चार विशेषताएं बताई हैं, वैयक्तिक संबंध, संपूर्ण संबंध, संबंधों की अवधि व घनिष्ठ संबंध, जिन्हें प्राथमिक समूह के लिए आवश्यक होता है। यानी कि वो सारी बातें जो उन्होंने बताई थी कि घनिष्ठ संबंध होते हैं, व्यक्ति के लिए मौलिक होते हैं, उनमें आदर्शों का निर्माण करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो मानते हैं कि प्राथमिक समूह के जाने के लिए जो विशेषताएं हैं, एक तो प्राथमिक समूह के संबंध में व्यक्ति या इंडिविजुअल या व्यक्तिगत संबंध होते हैं, संपूर्ण संबंध होते हैं, संबंधों की अवधि लंबी होती है, वह घनिष्ठ संबंध होते हैं जिन्हें प्राथमिक संबंधों के लिए आवश्यक होते हैं। तो चार्ल्स कोलिन के अनुसार ये प्राथमिक संबंधों को लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। इसके पश्चात हम लोग प्राथमिक समूह की विशेषताओं का जिक्र करेंगे और प्राथमिक समूह की विशेषताओं का जहां तक बात है हम लोग दो भागों में इसकी विशेषताओं को बांट सकते हैं। एक होती है
बाह्य विशेषताएं, एक होती है आंतरिक विशेषता। प्राथमिक समूह की हम विशेषताओं की बात करें तो इन विशेषताओं को हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो बाह्य विशेषताएं और दूसरी आंतरिक विशेषताएं। बाह्य विशेषताओं से तात्पर्य है वे प्राथमिक समूह की वे विशेषताएं जो कि बाहर से दिखाई देती हैं, उनको बाह्य विशेषताएं कहा जाता है, यानी कि जो दृश्यमीय है जिनको देखा जा सकता है। दूसरी आंतरिक विशेषताएं, बाह्य समूह की आंतरिक विशेषताओं से तात्पर्य है जो देखी नहीं जाती बल्कि प्राथमिक समूह को, प्राथमिक समूह के सदस्यों द्वारा उनको अनुभव किया जाता है, उनको जिया जाता है। इस प्रकार से प्राथमिक समूह की विशेषताओं को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो प्राथमिक समूह की जो बाह्य विशेषता की जहां तक बात है, बाह्य विशेषता तीन प्रकार की होती है। पहली शारीरिक समीपता, समूह की लघुता और संबंधों की अवधि, यानी कि ये वे विशेषता है जो कि बाहर से दिखाई देते हैं, जिनको देखा जा सकता है। पहली बात, सबसे पहले जो विशेषता है बाहरी, वो शारीरिक समीपता, यानी कि प्राथमिक समूह के सदस्य शारीरिक रूप से आसपास रहते हैं, ठीक है, नजदीक नजदीक रहते हैं, दिन भर में कई बार आमने सामने आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक समीपता होने के कारण, शारीरिक नजदीकियां होने के कारण, बार बार संपर्क होने के कारण, बार बार क्रिया प्रतिक्रिया होने के कारण उनमें जो संबंध बनेंगे वो संबंध घनिष्ठ संबंध होंगे, घनिष्ठ सामाजिक संबंधों का निर्माण होगा, ठीक है। इसलिए प्राथमिक समूह में ये जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता हुई है कि शारीरिक रूप से नजदीक नजदीक होते हैं। दूसरी बात, जो प्राथमिक संबंध होते हैं वो तुलनात्मक दृष्टिकोण से उनका आकार छोटा होता है, यानी कि ये समूह है लघु समूह, ठीक है। शारीरिक समीपता जिसके परिणाम स्वरूप समाज में प्राथमिक समूह के सदस्य बार बार आपस में एक दूसरे के आसपास आते रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें जो संबंधों का निर्माण होगा वे संबंध घनिष्ठ संबंध होंगे, सामान्यतः तुलनात्मक रूप से प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है। दूसरी जो उसकी विशेषता बताई, जैसे कि अभी आपका कि समूह की लघुता, समूह की लघुता से तात्पर्य सदस्यों की संख्या कम होने के परिणाम स्वरूप जो प्राथमिक समूह है वो तुलनात्मक दृष्टिकोण से छोटे होते हैं। छोटे होने का कारण सदस्यों की संख्या कम होती है, सदस्यों की संख्या कम होने के कारण, शारीरिक समीपता होने के कारण उनमें बार बार क्रिया प्रतिक्रिया अंतक्रिया ज्यादा होती है, समूह के सदस्य आपस में एक दूसरे का अधिकाधिक प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम सामाजिक संबंधों का जो निर्माण होगा वो सामाजिक संबंध होंगे घनिष्ठ संबंध होंगे, वैयक्तिक या व्यक्तिगत या इंडिविजुअल सामाजिक संबंध होंगे, ठीक है। तीसरा जो इसकी विशेषता है प्राथमिक समूह के, जो बाह्य विशेषता में संबंधों की अवधि, तो प्राथमिक समूह के सदस्य, प्राथमिक समूह के सदस्यों में जो सामाजिक संबंध होते हैं, जो कि मैं आपको बता चुके हैं कि शारीरिक रूप से समीप समीप होते हैं, समूह की लघुता से तात्पर्य कि समूह के सदस्यों की संख्या कम होती है, आकार छोटा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें जो संबंध बने वो घनिष्ठ संबंध होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संबंधों की जो अवधि है वो तुलनात्मक रूप से लंबी अवधि, प्राथमिक समूह के जो सदस्य हैं उनमें जो संबंध होते हैं वो घनिष्ठ संबंध होते हैं, और घनिष्ठ संबंध जो है लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, उनका अंत बहुत लंबे समय पश्चात होता है। सामान्यतः व्यक्ति की मृत्यु होने पर इस प्रकार के प्राथमिक समूह के सदस्य समाप्त। तो ये प्राथमिक समूह की कुछ बाह्य विशेषता। आंतरिक विशेषता की जहां तक बात करें, आंतरिक विशेषताएं हमने आपको बताया जिनको देखा नहीं जा सकता, बल्कि समूह के सदस्य उसको महसूस करते हैं, उसको जीते हैं, उसको अनुभव करते हैं। तो प्राथमिक समूह की जो पहली आंतरिक विशेषता है वो है उद्देश्यों की समानता। उद्देश्यों की समानता से तात्पर्य है प्राथमिक समूह के जो सदस्य होते हैं उन प्राथमिक समूह के सदस्यों की सभी के उद्देश्य समान होते हैं। उनका यह प्रयास होता है, उनका यह उद्देश्य है कि उनका समूह निरंतर रूप से घनिष्ठ रूप से संबंध स्थापित करते हुए चलता रहे और एक लंबे समय तक सामाजिक समूह निर्मित रहे, और समाज समूह के जो सदस्य हैं उन संबंधों में जो हम की भावना देखने को मिले और संबंध जो है घनिष्ठ बन रहे। तो इसमें हमें कहेंगे कि प्राथमिक समूह में समूह का प्रत्येक सदस्य समान उद्देश्य के लिए प्रयत्नशील है, वह अपने विचारों को समूहों में विलीन कर देता है, यानी कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को महत्व न देकर समूह के स्वार्थ को अधिक महत्व देता है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को समूह के स्वार्थ में विलीन कर देता है। इसका मतलब हम की भावना देखने को मिलती है, वह अपने विचारों को समूह में विलीन करता रहता है,
वह अपने विचारों को समूह में विलीन तो कर देता है तथा समस्त समूह के उद्देश्य उसके उद्देश्य हो जाते हैं। प्राथमिक समूह का श्रेष्ठ उदाहरण हमने आपको कुछ पहले भी बताया था कि परिवार जो है प्राथमिक समूह का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। मित्रों का समूह जो फ्रेंड ग्रुप है, जो प्ले ग्रुप है, वो प्राथमिक समूह का सबसे महत्वपूर्ण। प्राथमिक समूह की जो दूसरी विशेषता है, संबंध अपने आप में साध्य होते हैं, साधन नहीं होते, संबंध अपने आप में साध्य होते हैं। इससे तात्पर्य है कि प्राथमिक समूह के सदस्य इसलिए सदस्य नहीं होते कि सदस्यता ग्रहण करने से उन्हें कोई उद्देश्य की प्राप्ति, ठीक है, लाभ या उद्देश्य की प्राप्ति की, बल्कि इसलिए होते हैं कि प्राथमिक संबंध स्थापित करना ही प्राथमिक समूह का उद्देश्य है। यानी कि प्राथमिक समूह के जो सदस्य होते हैं वो किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर प्राथमिक समूह के सदस्य नहीं होते, बल्कि उनमें किसी प्रकार का स्वार्थ देखने को नहीं मिलता, बल्कि वो तो जैसे कहते हैं कोई परिवार का, कोई व्यक्ति किसी परिवार का सदस्य होता है तो इसलिए सदस्य नहीं होता कि उसको परिवार से कुछ फायदा मिलेगा, कुछ लाभ होगा, कुछ नहीं, बल्कि वो तो स्वाभाविक रूप से उस परिवार का सदस्य है, ठीक है, और साथ ही साथ कोई लाभ या हानि वो प्राप्त नहीं करना चाहता, बल्कि संबंध स्थापित करना ही प्राथमिक समूह का उद्देश्य है। प्राथमिक समूह की जो अगली आंतरिक विशेषता है वह है संबंध वैयक्तिक होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया शारीरिक समीपता, संबंधों की घनिष्ठता या समूह की लघुता या संबंध की अवधि, ये एक छोटे समूह के लिए लघु समूह के या प्राथमिक समूह के लक्षण है। तो इसमें हमने आपको बताया कि संबंध वैयक्तिक होते हैं, व्यक्ति व्यक्ति, जैसे हमने कहा कि प्राथमिक समूह का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण परिवार है, तो परिवार में जो लोगों के मध्य जो संबंध होते हैं वो व्यक्ति विशेष से संबंध होते हैं, किसी पद के साथ संबंध नहीं होते, जैसे बाप बेटे का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, तो वे व्यक्तिगत या इंडिविजुअल रिलेशन है, ना कि किसी पद के संबंध, ठीक है। तो प्राथमिक समूह के जो संबंध होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से ही प्राथमिक समूह के संबंध होते हैं, अतः व्यक्ति के नहीं होने पर अथवा उसकी मृत्यु हो जाने पर संबंध भी स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मैंने कहा कि एक पिता और पुत्र का जो संबंध है वो प्राथमिक संबंध है, वे प्राथमिक समूह। पिता की मृत्यु होने पर यह नहीं है कि उस पद को कोई दूसरा आदमी है, उस संबंध को कोई दूसरा आदमी धारण कर लेगा, बल्कि पिता के संबंध व्यक्तिक होने से तात्पर्य है व्यक्ति व्यक्ति के संबंध होते हैं, पिता पुत्र के संबंध व्यक्तिक संबंध है, पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात वो पिता का संबंध वहीं पर समाप्त हो जाता है, उस संबंध को कोई दूसरा व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि प्राथमिक समूह के जो संबंध होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, व्यक्तिक होते हैं, अर्थात उनका प्रतिस्थापन संभव नहीं है, ठीक है, उसका स्थान कोई पिता का स्थान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। अगली जो विशेषता है प्राथमिक समूह की आंतरिक विशेषता वह है संबंध संपूर्ण होते हैं, यानी कि जो संबंध होते हैं घनिष्ठ होते हैं, प्राथमिक होते हैं, दिखावटी या बनावटी नहीं होते हैं, दिल से संबंध होते हैं, गहराई से संबंध होते हैं, अनौपचारिक सामाजिक संबंध होते हैं, किसी नियम से बंधे हुए सामाजिक संबंध नहीं होते, इसलिए जो संबंध होते हैं वो संपूर्ण संबंध होते हैं, किसी पक्ष विशेष को लेकर संबंध नहीं होते। प्राथमिक समूह में सदस्यों के व्यक्तित्व का एक भाग ही अथवा उनके जीवन का एक पक्ष ही समूह में सम्मानित नहीं होता, बल्कि उसमें जीवन के सभी पक्ष सम्मिलित रहते हैं, जैसे पिता पिता जो है पुत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह आदि सभी बातों में रुचि रखता है, एक दूसरे के जीवन में प्रवेश करना ही संबंधों को प्राथमिक स्वरूप प्रदान है। ये प्राथमिक समूह की बाह्य विशेषताओं के अंतर्गत संबंध संपूर्ण होते हैं, ये विशेषता। अगली जो भाई है सॉरी आंतरिक विशेषता है प्राथमिक समूह की, हुए संबंध स्वतः होते हैं, ठीक है, प्राथमिक समूह के सदस्यों के जो संबंध होते हैं वो किसी के कहने से किसी के नियम किसी नियम पर आधारित नहीं होते, बल्कि प्राथमिक समूह के सदस्यों के संबंध तो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से स्वतः ही होते हैं। इसके मतलब यह है कि प्राथमिक समूह जो है उसके जो भी व्यक्ति प्राथमिक समूह के सदस्य होते हैं वे किसी आदेश या दबाव के कारण नहीं होते, किसी को स्नेह प्रेम ममता के संबंध बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। प्राथमिक संबंध दिल से होते हैं, हृदय से होते हैं, किसी औपचारिक नियम के अनुसार नहीं होते, जैसे होते कि माता पिता का जो संबंध है, भाई बहन का संबंध है, वो किसी दबाव के वशीभूत संबंध नहीं है, किसी नियम से वशीभूत संबंध नहीं है, किसी के कहने के वशीभूत संबंध नहीं है, बल्कि वो संबंध तो स्वाभाविक रूप से है, व्यक्तिगत रूप से सामाजिक संबंध। ये प्राथमिक समूह की कुछ आंतरिक और बाह्य विशेषता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि
कि समाज में प्राथमिक समूहों का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप इन सोसाइटी। तो सामाजिक समूह के महत्व या इंपॉर्टेंस की जहां तक बात है, सामाजिक समूह के अंतर्गत जो प्राथमिक समूह है वो समाज में बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राथमिक समूह है वेश, जैसे कि हमने आपको उदाहरण दिया कि प्राथमिक समूह का उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है वो परिवार। तो ये जो प्राथमिक समूह है इसका जो सबसे महत्वपूर्ण महत्व है, जो सबसे इंपॉर्टेंस इसकी जो है वो है कि ये प्राथमिक समूह व्यक्ति के समाजीकरण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि हमने आपको बताया कि जन्म के समय व्यक्ति पशु मात्र होता है, उस पशु को प्राणी शास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाने में जिस समूह का योगदान होता है वो समूह प्राथमिक समूह होता है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण होता है उदाहरण परिवार। तो ये जो प्राथमिक समूह है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, व्यक्ति के आत्म की व्यक्ति के सेल्फ के डेवलपमेंट में सहायक है, व्यक्ति के समाजीकरण में सहायक है, ये व्यक्ति को समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनाता है। पासेस के अनुसार हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है, क्योंकि छोटे छोटे दैनिक व्यवहार के तरीके हम प्राथमिक समूह में ही आत्मसात करते हैं। सीएच कूले के अनुसार प्राथमिक समूह सामाजिक प्रकृति और आदर्शों का निर्माण करने में आधारभूत है और यह सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राथमिक समूह हमारे लिए मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं, जिसके कारण हम अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हैं, यानी कि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में है, सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति को समाज का क्रियाशील सदस्य बनाते हैं और हमारी मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकता है उनको पूरी करते हैं, और इन्हीं प्राथमिक समूह के माध्यम से व्यक्ति जो है प्राणी शास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में रूपांतरित होता है, यानी उसका समाजीकरण होता है। तो समाजीकरण में प्राथमिक समूह बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके महत्व के साथ साथ प्राथमिक समूह के कुछ डीमेरिट्स भी हैं, कुछ दोष भी हैं, जिनका जिक्र भी हमारे लिए यहाँ करना आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता हुआ है कि प्राथमिक समूह का उल्लेख करते हुए प्राथमिक समूह का महत्व और उनके दोषों के बारे में जो है विवेचना करें, उनके दोषों की जानकारी। तो प्राथमिक समूह का जो सबसे महत्वपूर्ण दोष या डिमेरिट है कि ये जो है ये भय भतीजावाद, पक्षपात तथा धन का एकत्रित करना प्राथमिक समूह का सबसे बुरा काम है। इन प्राथमिक समूह जो है अपने ही सदस्यों को ज्यादा महत्व देते हैं, भाई भतीजावाद से तात्पर्य प्राथमिक सदस्य समूह के सदस्य अपने समूह के सदस्यों को ज्यादा महत्व देते हैं, दूसरे समूह के सदस्यों को ज्यादा महत्व नहीं देते। दूसरी बात, पक्षपात होने का मतलब अपने लोगों का पक्षपात होता है, मानव का स्वभाव है तो ये पक्षपात करता है। साथ ही साथ धन का एकत्रित करने में भी प्राथमिक समूह बड़ी तो इसके कुछ ये डिमेरिट्स है। तो ये प्राथमिक समूह के प्रकारों के अंतर्गत हमने आपको बताया तीन प्रकारों में प्राथमिक समूह को सामाजिक समूह को तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। प्राथमिक समूह है, द्वितीयक समूह है और अर्ध समूह या आवासीय समूह। प्राथमिक समूह है वे समूह हैं जो कि जिनमें शारीरिक नजदीक यहाँ देखने को मिले, जो संबंध होते हैं वो घनिष्ठ होते हैं, संबंध होते हैं जो वैयक्तिक होते हैं और संबंधों की अवधि जो है लंबी होती है, ठीक है, जिनमें उद्देश्यों की समानता होती है, संबंध अपने आप के साथ होते हैं, संबंध वैयक्तिक होते हैं, संबंध संपूर्ण होते हैं, संबंध स्वयं होते हैं, ये सारी बातें हमें प्राथमिक समूह के अंतर्गत है, ठीक है। इसी के साथ हमें प्राथमिक समूह का महत्व और प्राथमिक समूह इसके पश्चात नेक्स्ट क्लास में हम लोग द्वितीयक समूह के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।